Welcome to this math session, students. In previous math session, we have classified polynomials in terms of number of terms and in terms of degree of the polynomial. Now, let us see questions based on it. We are starting your in-class exercise of 2.1. ये है आपका level 1. Now, the standard form of linear polynomial is, linear polynomial का standard form क्या होगा? ax plus b, ax, ax cube, both a and b. चलो देखते हैं. Linear polynomial का मतलब क्या हुआ students? What is the form of linear linear polynomial का आपका definition क्या है? Yes, Tejas. So the polynomial having the degree as 1. Degree as 1. चलो. इसकी degree कितनी है? 1. ओके यहाँ पे डिग्री कितनी है 1 यहाँ पे डिग्री कितनी है 3 तो क्या मैं बोल सकता हूँ ax plus b हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है यस सर ax भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है राइट श्रेया यस सर राइट श्रीशा तनिष्का राइट प्रतीका सानवी ना सिमिलरली ax क्यूब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे दोनों है ए भी है और बी भी है यस और नो एवरीवन बट वॉट अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या सिर्फ बी होगा सिर्फ ए होगा या दोनों होंगे सर दोनों चेक करो चेक योर आंसर एट द बैक मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको सिर्फ एक्स प्लस बी दिया होगा एक बार वो चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म ए राइट सी अब हाउ ओनली ए वो मैं आपको समझाता हूँ जैसे ए एक्स प्लस बी है एवरीवन अगर मान लो मैं उसमें बी जीरो ले रहा हूं तो वो क्या बन जाएगा ए एक्स ओनली यस और नो प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स सो कैन आई से दैट योर बी इज नथिंग बट इट इज स्पेशल केस ऑफ ए योर बी इज स्पेशल केस ऑफ ए हाय ना यू कैन टेल मी यस इफ यू अग्री जल्दी जल्दी बोलो बी स्पेशल केस है ए का कुछ तो बोलो साक्षी प्रतीका तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वो फॉर्म होता है जो सारी वैरायटीज को कवर कर दे जो लीनियर पॉलिनोमियल की जितनी भी वैरायटीज हो लीनियर पॉलिनोमियल के जितने भी एग्जांपल्स हो सबको कवर कर दे इसीलिए वो सिर्फ आपका होगा ए एक्स प्लस बी इज दिस क्लियर राइट नाउ रोहन इज टेलिंग सर बट व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स वॉन्ट वी एड द पावर हाँ बट यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है ना रोहन राइट जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे तब हम पावर को ऐड करेंगे बट यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है यस और नो अमृत यस और नो वरुण यस और नो सानवी ए एंड एक्स ए इज कांस्टेंट हियर रोहन राइट ए इज कांस्टेंट कोएफिशिएंट ओके अनविता इज आस्किंग सर हाउ सी इज क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे एक्स क्यूब है ना अनविता डिग्री 3 होगी कि नहीं एक्स के पावर 3 है अनविता पता चला ओके सर ओके एनी अदर डाउट इन दिस ये क्लियर हुआ एवरीवन राइट यहाँ पे कंफ्यूजन आपका यही होगा कि बोथ ए एंड बी आंसर लिखना है कि सिर्फ ए आंसर लिखना है कि सिर्फ बी आंसर लिखना है ठीक है ये क्लियर है आगे बढ़े चलो लेट मी इंपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ओके कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑन स्क्रीन एवरीवन क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राइट बाई क्वाड्रेटिक के लिए आपको बोला गया है कि जिसकी डिग्री क्वाड्रेटिक से ट्वाइस होती है क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 होती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में भी आपको बाई क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में आपको क्यूबिक तक ही दिया गया है ठीक है चलो मुझे ये बताओ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हाँ यस वेट शिवांश इज टेलिंग सर अगर मान लो यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं पूछा होता
सिर्फ आपको ये पूछा होता कि व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल अमॉन्ग ऑल दिस, तो आंसर आएगा डी, राइट, डी आपका आंसर आएगा. अगर क्वेश्चन में पूछा होता ओनली लीनियर पॉलिनोमियल, नॉट स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, राइट, और स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर आता डी. चलो अब क्वेश्चन नंबर टू को समझते हैं एवरीवन. फर्स्ट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तनिष्का कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस फर्स्ट पॉलिनोमियल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर? टू सर. टू, वेरी गुड. अब डिग्री टू है तो उसका नाम क्या होगा, वो कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तनिष्का कौन सी होगी? आप चार्ट में देखो, फॉर्मूला बुक में देखो, अभी हमने लिखा है. जिसकी डिग्री टू होगी हम उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, श्री नहीं, क्यूबिक थ्री को, जिसके डिग्री टू हो जाएगा क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक, हाँ, ध्यान रखो क्वाड्रेटिक. यस, चलो सेकंड, 3x-2, 3x-2 मुझे कौन बताएगा, बोलो सानवी, इसकी डिग्री क्या है? सर वन. ओके, वन है तो फिर कौन सी पॉलिनोमियल होगी? लीनियर पॉलिनोमियल सर, लीनियर. यस, लीनियर पॉलिनोमियल. चलो 2x प्लस x स्क्वायर, बोलो इंचरा 2x प्लस x स्क्वायर. सर क्वाड्रेटिक. वेट वेट, इंचरा को मैं सबको चांस दूंगा, अभी इंचरा को बोलने दो. बोलो इंचरा, इसकी डिग्री कितनी होगी? ठीक है इंचरा. श्रीशा बोलो, इतना टाइम क्यों लग रहा है, हो जाना चाहिए. यस, 2, राइट, तो 2 है तो फिर वो कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी? क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक, चलो. फोर्थ वन, 3y. ओके, अब 3y के लिए मुझे कौन बताएगा व्हाट विल बी डिग्री ऑफ दिस 3y? बोलो रोहन. सर 1. सो कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी? सर लीनियर. वेरी गुड रोहन. ओके, बोलो सांकेती, फिफ्थ में क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस वन, क्या होगी डिग्री सांकेती? सर 2. तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी? सर क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक, ओके. समर, लास्ट वन इज योर्स, टेल मी द आंसर. सर डिग्री इज 4 एंड द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज बाइक्वाड्रेटिक. बाइक्वाड्रेटिक, वेरी गुड, राइट, इट इज नॉट इन योर एनसीईआरटी. So this is degree 4 and this is biquadratic. चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली. ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Can you see this question number 3 on screen? Yes, sir. Yes, sir. Find the coefficient of x in the following polynomial and classify them as monomial, binomial, trinomial. Upar wale question mein hame classify kaise karna tha? Ki wo quadratic hai, cubic hai, ki biquadratic hai, ya linear hai. Abhi hame kaise classify karna hai? Monomial hai, binomial hai, ki trinomial hai? And x ka coefficient likhna hai, right? So one by one shuru karte hain. Chalo. मोहिल, कैन यू टेल मी फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर. पहले देखो, वन बाय वन हम करेंगे, पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखेंगे फिर क्लासिफाई करेंगे. कैन यू टेल मी व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हियर? 6. 6 और 1/6, थिंक सर 1/6. यस, वेरी गुड. मैं छोटा सा टेबल बना देता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए. सो हियर आई विल राइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हियर आई विल राइट इट्स क्लासिफिकेशन. ओके, रोहन इज टेलिंग सर हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन अलग है. अच्छा रोहन, ये जो सॉफ्ट कॉपी है ये मेरे पास प्रीवियस वर्जन की है, नए वर्जन की सॉफ्ट कॉपी नहीं है. नए वर्जन में क्वेश्चन अलग है, जस्ट चेक. हाँ वही डिफरेंट क्वेश्चन देखा होगा, राइट, क्योंकि नए मॉड्यूल में सिर्फ आपके ये ओलंपियाड वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए हैं, राइट. हाँ सर, ऑर्डर इज डिफरेंट बट क्वेश्चंस आर सेम. ऑर्डर इज डिफरेंट, ओके ओके, ठीक है, तो वो आप कर लेना एडजस्टमेंट. ओके, and I need to arrange your doubt solving classes as well, right? ठीक है भाई, मैं बताता हूँ. Okay,
चलो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड क्लासिफिकेशन बोलो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मुहिल आपने क्या बोला 1/6 एंड ये कौन सी पॉलीनोमियल हो जाएगी बाइनोमियल बाइनोमियल ओके नाउ सेकंड वन वर्षा बीजी कैन यू टेल मी सेकंड वन एक्स टू द पावर 100 प्लस एक्स टू द पावर 50 प्लस 1 एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 0 वेरी गुड एंड पॉलीनोमियल कौन सी होगी ट्राइनोमियल वेरी गुड शाबाश चलो जेनिल सॉरी जेलिन कैन यू टेल मी अबाउट थर्ड वन पी एक्स प्लस क्यू एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा सर एक्स का कोएफिशिएंट 0 0 चेक एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा पी सर पी शाबाश And it is your monomial, binomial or trinomial? Binomial. Binomial. Yes. Yes. उसका नहीं पूछा है ना शिवांश क्वेश्चन में हमें बस एक्स का कोएफिशिएंट पूछा है शिवांश इसलिए वही कर रहे हैं right. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2376 बोलो तेजस 2376 में एक्स का कोएफिशिएंट सर 0 0 यस एक्स का कोएफिशिएंट आ जाएगा 0 एंड कौन सी पॉलीनोमियल होगी ये मोनोमियल मोनोमियल वेरी गुड नहीं शिवांश सी सेकंड क्वेश्चन में एक्स है ही नहीं ना ये एक्स टू द पावर 100 है ये एक्स टू द पावर 50 और ये 1 है तो एक्स है ही नहीं ना एक्स इज नॉट प्रेजेंट इन सेकंड क्वेश्चन राइट सो वी कैन राइट 0 एक्स राइट दैट्स व्हाई कोएफिशिएंट इज 0 चलो Now, last one, ax square plus bx plus cx. Nikhila, Nikhila, are you there? Yes, sir. Okay, can you do this question? Ax square b and c. Okay, just a minute. So, fifth, ax square plus bx plus cx. So, b and c you are telling, correct? Yes, and, sir. Okay. Then, sure, are you sure about this? Yes, sir. Now, monomial, binomial or trinomial? Binomial. Binomial, trinomial, right? Now see, here one concept is there, students. Do you remember the concept of like terms and unlike terms we learned in class 8, right? Shreya, what was the meaning of like terms? So having the both the terms having same variable. Same variable or same lateral coefficient. Yes, Shreya, usi ke upar aa raha hu. अब इन दोनों का लेटरल कोएफिशिएंट सेम है एक्स मैं उसे कॉमन ले सकता हूँ दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस अगर मैं इन दोनों में से एक्स कॉमन ले रहा हूँ व्हाट आई विल बी लेफ्ट हियर बी प्लस सी और नॉट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इनटू एक्स यस और नो एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स हाँ या ना राइट सो दिस इज द ट्रिक हियर तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा नॉट बी एंड सी बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी बी प्लस सी इज दिस क्लियर एवरीवन राइट And number of terms will be not 3, but number of terms will be 2. This is the first term, this is the second term. So it will be your binomial. Clear everyone? Right? You can tell me yes if you agree. Easy? Yes, sir. Chalo, note down kar do fatafat everyone. Okay, ab jinko bhi ye fifth question wapis samajhna hai, let me explain you this one more time. ax square plus bx plus cx right pehli nazar mein jab aap dekhoge when you are going to see this question first time aapko lagega ki yahan pe teen terms hain right and ye b aur c aapke alag alag hain but the thing is oh okay sanvi jab maine aapke attendance li to aap nahi the main edit kar dunga don't worry so now see here everyone to ab jab aap isko dekhoge b plus cx right एक एग्जांपल लेता हूँ सपोज ये आपका 3x square प्लस 5x प्लस 6x मुझे ये बताओ क्या ये ट्राइनोमियल है ऐसे क्वेश्चन हम देख चुके हैं लास्ट ईयर याद है आपको राइट 3x square प्लस 5x प्लस 6x बाइनोमियल हाँ इसमें हमने कैसे कैसे करते थे ये 5 और 6 को ऐड कर देते थे दिस विल बी योर 3x square प्लस 11x और नॉट हाँ या ना प्लीज गिव मी यस सर राइट यस विल बी योर बाइनोमियल एंड एक्स का कोएफिशिएंट हो जाता था 11 सो सेम चीज यहाँ पे आपकी अप्लाई हो रही है The thing is, instead of 3, 5 and 6, they have given us A, B and C. So, BX and CX are like terms. So, BX plus CX aapka ho jayega, B plus C into X. Clear everyone? Abhi clear ho gaya? Right?
तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको ना पता चले आप एग्जांपल लेके उसे समझ सकते हो, राइट? चलो यहाँ तक हो गया, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, आप रिस्पांस तो मुझे पता चलेगा, राइट? किसी को डाउट नहीं है ना? श्योर? नो सर, नो डाउट, नो सर। चलो तो लेवल टू शुरू करते हैं, लेवल टू क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट आ सकते हैं, राइट? तो अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कौन सा आंसर दे रहे हो। जैसे लेवल टू क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 99। आपको मुझे एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 99 हो, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद शिवांश, राइट? शिवांश आप मुझे बताओ ट्राइनोमियल जिसकी डिग्री 99 हो। सर, y रेज टू 99। ओके। प्लस y रेज टू 98 प्लस y रेज टू 97। सो y रेज टू 99 प्लस y रेज टू 98 प्लस y रेज टू 97, राइट? उसके अलावा और कुछ नहीं, मतलब कोई कोएफिशिएंट नहीं, कुछ नहीं, राइट? यस सर। ओके, ठीक है। सानवी, मैं आपकी अटेंडेंस एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सानवी आपका नाम? ओके, मुझे मिल गया, वेट। Yes, you can take any example. बहुत सारे students ने बहुत सारी चीजें chat box में लिखी हैं. All the answers are right. Y to the power 99 plus y to the power 98 plus y to the power 97. So this is also correct. ये आपकी polynomial हो गई y में. X में भी लिख सकते हो, अलग अलग coefficient भी दे सकते हो. चलो monomial of degree 12. Raghvi, can you tell me monomial of degree 12? Sir, yz to the power 12. YZ to the power 12, sure? इसमें कितने वेरिएबल आ गए? Y into Z to the power 12, sure? Y भी वेरिएबल हो गया, Z भी वेरिएबल हो गया ना? आया ना? राघवी, पता चल रहा है? Yes, sir. हाँ, प्रतीका, can you modify it? Sir, X to the power 12. और सिंपली यू कैन राइट एक्स टू द पावर 12, या फिर यहीं पे राघवी आप वाई की जगह कोई नंबर लिख दो, सपोज 50 जेड टू द पावर 12, दैट इज आल्सो फाइन। क्लियर एवरीवन? क्लियर? देखो रिस्पांस नहीं दोगे तो फिर मैं भी अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं भी नहीं। यस सर। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, वेरी वेरी थैंक यू कि आपने अनम्यूट किया, आपके गले को थोड़ी कष्ट दी, थोड़ी मेहनत दी और बोला आपने, प्लीज बोलते रहो। चलो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ऑल्सो राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन कौन सी पॉलीनोमियल आपके कौन कौन सी पॉलीनोमियल की डिग्री एक है, ओके? एंड उन सबके हमें सॉरी कौन कौन से पॉलीनोमियल सिंगल वेरिएबल में है एंड किन सबकी डिग्री आपके पास है या डिग्री कौन सी है वो हमें लिखना है, ठीक है? वन बाय वन। चलो क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 7, फर्स्ट क्वेश्चन। पहले आपको मुझे ये बताना है क्या ये पॉलीनोमियल इन वन डिग्री में है या नहीं, ठीक है? तो शुरू करते हैं अश्विनी। अश्विनी आप बताओ क्या ये पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल इन वन डिग्री है? अश्विनी? नो सर। क्यों, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल क्यों नहीं है? सर क्यूब रूट 3। हाँ क्यूब रूट 3 हो गया फिर, बट क्यूब रूट 3 कैसे होता है? क्यूब रूट मतलब पावर में 1/3। सॉरी, हाँ क्यूब रूट टी फिर क्या? आगे समझाओ मुझे, थोड़ा एक्सप्लेन करो अश्विनी। सर क्यूब रूट टी मतलब टी का वैल्यू पता नहीं है ना सर, तो परफेक्ट रूट निकलेगा या नहीं वो भी नहीं, ठीक है? बट एग्जैक्टली परफेक्ट क्यूब निकले या ना निकले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टी वेरिएबल है, राइट? क्योंकि टी वेरिएबल है तभी तो उसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो टी की कोई वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे फिक्स नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। That is the beauty of polynomial, ना? इसलिए तो polynomial में आपका variable आता है। तो अरे again power cut।